नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन सिंह, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कारनामे बोलते हैं में। दोस्तों आज हम आपको मिलवाने ले जा रहे हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट योगी आदित्यनाथ से। योगी जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। योगी जी आपकी पार्टी के नेता बहुत ही ज़्यादा फेंकते हैं पर आपकी सारी स्कीम फेल हैं, इस पर आपकी क्या राय है? मेरा मानना है कि जब अति आत्मविश्वास में कोई कार्य होता है तो इस प्रकार की स्थिति होती है, लेकिन यह एक सबक भी है और मेरा विश्वास है कि हम लोग आने वाले समय में इन सब चूकों से कुछ ना कुछ प्रेरणा लेकर के बेहतर करेंगे। क्या आपको लगता है मोदी जी भी बहुत फेंकते हैं? बिल्कुल, मैं भी इस बात को मानता था। कार्यकर्ताओं से जो बातचीत होती थी वह भी इसी बात को कहता था। जिस तरह से आपकी पार्टी काम कर रही है मुझे तो नहीं लगता कि 2019 में आपको कोई वोट देगा। आज के दिन पर मुझे लगता है बहुत कठिन है। यूपी की जनता आपसे रोजगार मांग रही है और आप एनकाउंटर करने में बिजी हो। बस एनकाउंटर नहीं होने हैं, हमें उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षा देना है। कब तक चलेंगे एनकाउंटर? यहाँ पे एक भी फेक एनकाउंटर नहीं हुए हैं, एक भी नहीं। हाँ, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति को सुरक्षा दी जाएगी। कब तक चलेगा ऐसा? उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों के अंदर पुलिस की वर्दी का भय होना चाहिए। एंटी सोशल और एंटी नेशनल जो एलिमेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं कानून का भय होना चाहिए उनके अंदर, और आज उसका परिणाम दिखाई दे रहा है। आज आप चले जाइए मेरठ में, मेरठ में जो दुर्दांत अपराधी थे आज ठेला लगाकर सब्जी बेचते हुए दिखाई देंगे आपको। आप बोलते हो ठेला लगाना, मोदी जी बोलते हैं पकौड़ा लगाना, ये सब रोजगार है? रोजगार अपनी मेहनत से पसीना बहा करके व्यक्ति कमाए, ये स्वावलंबन है, ये सम्मान है। अगर आप इसी तरह से सोचते रहे तो देश के बारे में कौन सोचेगा? ये कांग्रेस का संस्कार है। योगी जी क्या राहुल गांधी 2019 में प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल, मैं भी इस बात को मानता था। कार्यकर्ताओं से जो बातचीत होती थी वह भी इसी बात को कहता था, पब्लिक भी इसी बात को कहती थी। योगी जी आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। उसका